अबू मलिक हुए कल घर से बाहर, घर में देखने को मिला बहुत सारा धमाल। क्या पारस छाबड़ा को टारगेट करने लगे हैं सलमान? हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बॉस के अड्डे में। आज मेरे साथ है प्रशांत, दर्शिका और यास्मीन। हम सीधा सीधा डायरेक्टली प्रशांत से जान लेते हैं कल के एपिसोड में क्या हुआ। कल तन्वी, कल का एपिसोड भी काफ़ी अच्छा रहा देखने के हिसाब से। जैसे कि कल पारस और आरती के बीच शो के एंड में लड़ाई होती दिखाई दी कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, इस चीज़ को लेकर के इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस हो गई दोनों के अलावा। इसके अलावा अब्बू मलिक शो से आउट हो गए। वहीं सलमान ने ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में काफ़ी सारे एलिमिनेशन होने वाले हैं। कुछ खास अच्छे अच्छे टास्क भी सलमान ने करवाए, तो कल का ओवरऑल एपिसोड काफ़ी ठीक रहा। वहीं यास्मीन, तुमसे जान लेते कल के एपिसोड में डॉल हाउस करके एक टास्क हुआ था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इस पर तुम क्या कहोगे? हाँ, कल एक अलग सा टास्क देखा गया है कि जिसमें मतलब हर बार ऐसा नहीं होता था, कुछ ना कुछ अलग मुंह पे काला लगाना इस टाइप से होता था। मुझे पहले देख के वही लगा कि हो सकता है ये जिसको जो नहीं पसंद करता उसके चेहरे पे वो काले रंग लगाएगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ये कुछ अलग ही था कि डॉल हाउस वाला, तो सब ने अपना अपना मतलब जिसे जो नहीं पसंद है वो उसके नाम के डॉल को ब्लैक वाले वाटर में डिप कर दिया। तो जिसको मतलब ऐसा था कि जो बच जाएगा उसे पावर कार्ड मिलेगा, तो जिसमें नाम आता शिफाली बग्गा का। लेकिन मुझे वही लगता है कि शिफाली बग्गा वहाँ पे डिज़र्व तो नहीं करती मेरे हिसाब से, कि मतलब वहाँ पे लास्ट में बची थी शिफाली बग्गा और रश्मि देसाई, दोनों का नाम लास्ट में बच गया था, लेकिन रश्मि देसाई का होना चाहिए था मेरे हिसाब से। शिफाली बग्गा ने सच कुछ किया नहीं अभी। प्रशांत, क्या लगता है शिफाली बग्गा को ये पावर मिलनी चाहिए थी या नहीं? मेरे हिसाब से शेफाली को नहीं मिलनी चाहिए थी, जैसे कि यास्मीन ने बोला कि रश्मि को मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि वही दोनों लास्ट में बचे थे। अब्बू मलिक ने रश्मि का डिप कर दिया और सिद्धार्थ शुक्ला जो थे उन्होंने माहिरा का उसमें डिप कर दिया। इसके अलावा जो आसिम रियाज है उन्होंने दुबुलीना का कर दिया। सिद्धार्थ डे का काफ़ी शॉकिंग रहा, उन्होंने शहनाज गिल का कर दिया। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से या तो रश्मि या फिर शहनाज गिल, इन दोनों में से किसी एक को पावर मिलनी चाहिए थी। किसे मिलनी चाहिए थी दर्शिका? मुझे ऐसा लगता है शेफाली को ठीक मिला है, क्योंकि वो जो भी टास्क करती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं और उन्हें कभी मौका नहीं मिला इस चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है वो शुरू से ही अपने लिए स्टैंड लेती हैं और मतलब टास्क भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो थोड़ी डिप्लोमेट होकर खेलती हैं क्योंकि वो टास्क होता है, तो इस वजह से। और मुझे अच्छा लगा कि उन्हें मिला कुछ। यास्मीन, देखा जाए तो वीकेंड के वार का हर किसी को इंतज़ार रहता है। इस बार संडे को नहीं आया वीकेंड का वार, लेकिन कल का जो एपिसोड था वो काफ़ी धमाकेदार था। हर किसी को इंतज़ार था कि इस बार कौन इविक्ट होगा। तो अब्बू मलिक घर से बेघर हो गए, इस पे तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा था, हम भी ऐसे पहले बात कर चुके हैं कि अबू मलिक को ही जाना चाहिए, लेकिन कल वाला एपिसोड देखने के बाद मुझे एक बार ऐसा लगा कि अबू मलिक और सिद्धार्थ डे का जब लास्ट में नाम बच रहा है तो मेरे हिसाब से कि डे को बाहर होना चाहिए था, कि जिस तरह की उनकी हरकत दिखी है पिछले एपिसोड में, कि उन्होंने मतलब काफ़ी गंदी गंदी बातें कही आरती सिंह को, और मतलब उनका नेचर ही, वो जिस नज़र से देखता है लड़कियों को वो नज़र ही मुझे सही नहीं लगती उनकी। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उन्हें ट्रोल किया गया था सिद्धार्थ डे को, जब उन्होंने आरती सिंह को लेकर कहा था। तो कहीं ना कहीं प्रशांत, तुम्हें भी लगता है अब्बू के बदले सिद्धार्थ डे को जाना चाहिए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता सिद्धार्थ डे को जाना चाहिए था, अब्बू मलिक को ही जाना चाहिए था। हालांकि सिद्धार्थ डे ने बहुत गंदी बात बोली थी, मजाक में ही बोली थी, जिसके लिए उनको सलमान ने भी डांटा थोड़ा बहुत, और बाकी सलमान ने तो पार्शियल होके उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। किसी भी कंटेस्टेंट को कल डांटा ही नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। एचएमएस खास प्रशांत, ऐसा लगता है ना कि वो सपोर्ट ज्यादा करते हैं सिद्धार्थ डे, ऐसा तुम लोगों को ज्यादा लगता है कि वो सपोर्ट करते हैं? सलमान ने सीधा सीधा बोला था, तुम लोगों ने पहले भी इसी चीज डिस्कशन पर बात करी थी कि उनको नहीं डांटा था। मैंने तुम्हें तब भी बोला था कि सलमान ने बोला था कि तुमने अच्छा नहीं बोला है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इस तरीके से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अब इस चीज़ कोई और बोलता तो बहुत ज्यादा बवाल। नहीं नहीं, जैसे दर्शिका की अगर बात हम सुन ले प्रशांत, तो पिछले कई सीजन में भी ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी को गलत चीज बोली है, जग्गा हो या वो प्रियंका जग्गा ने भी हरकत की थी, ओम स्वामी थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हरकतें करी, तब भी वो कहीं ना कहीं तो लोगों को फटकार लगा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो जो चीजें हुई थी वो इस चीज से और भी ज्यादा वल्गर और गंदी थी। वो तो किसी लड़की पर गलत कमेंट्स करना वल्गर? देखिए, वो एक टास्क चल रहा था, उन्होंने नो डाउट गलती करी है, लेकिन इस चीज को इतना ज्यादा भी इशू क्रिएट कर देना भी सही नहीं है। वो आरती सही नहीं है, वहाँ पर ट्रोलर्स भी जो है वो सिद्धार्थ डे को लगातार ट्रोल करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार उनके खिलाफ बोला। बात काटूंगा, ट्रोलर ने सिद्धार्थ शुक्ला को भी पहले बहुत ज्यादा ट्रोल किया है उनकी बदतमीजियों को लेकर, उस चीज को लेकर के उन्होंने तब भी बोला कि नहीं सिद्धार्थ सही है, सिद्धार्थ बहुत बढ़िया है। अब बात जब आ गई सिद्धार्थ डे के ऊपर तो ये उस तरीके से चीज को उठा।
यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी प्रशांत की, सिद्धार्थ शुक्ला की लैंग्वेज में, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात सही है कि सिद्धार्थ शुक्ला बदतमीजी करते हैं कई चीजों पे, लेकिन उनकी लैंग्वेज में और सिद्धार्थ डे की लैंग्वेज में काफी फर्क है। तुमने ये नोटिस किया होगा, सिद्धार्थ डे ने जिस तरह से आरती सिंह को कहा है और सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से बात करते हैं वो काफी डिफरेंस है दोनों चीज में। तो सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात करें, वो एक एंगर इशू उनका जो है वो उस तरीके से, सलमान ने भी उनकी एक चीज को उठाया है, शायद ध्यान से नहीं देखा इन्होंने। सलमान ने बात बोली कि तुमने जिस तरीके से वो बात बोली, जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला कि उन लड़कियों को छुओ जिन्हें अच्छा लगता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को ऐसी ऐसी चीजें छूना अच्छा लगता है? प्रशांत एक सेकंड आप सुन लो मेरी बात। एक मिनट, सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ पर ये बोला कि मैंने उस तरीके से नहीं बोला, पर सलमान ने बोला तुमने जिस तरीके से बोला वो वैसे ही लग रहा है लोगों को कि तुमने ऐसे ही बोला है कि जिनको छूना पसंद है उनको छुओ। तो वो भी एक बात पर, सिद्धार्थ शुक्ला की एक बात पर सलमान ने उन्हें सुना दिया कि आपको इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए, और जबकि सिद्धार्थ डे ने इतना कुछ कह दिया तो उन्हें सिर्फ ये कह दिया, आरती सिंह को चुप करा दिया सलमान ने वहां पर कि उनका इंटेंशन वैसा नहीं था, तो आप वैसा मत सोचो। आरती कहना चाहती है सिद्धार्थ शुक्ला को जो उन्होंने डांटा सलमान ने कि मतलब तुमने इस तरीके से बोला, नहीं इस तरीके से उन्होंने, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, जिस तरीके से उन्होंने उससे बोला शुक्ला को कि मतलब तुम ऐसे बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था, कैसे उन्हें इंटेंशन पता है कि सिद्धार्थ डे ने ऐसा नहीं कहा? इतना गंदा वो साउंड कर रहा था उस टाइम पे, टीवी पे देखने में इतना गंदा लग रहा था जिस तरीके से वो बोल रहे थे तुम बहुत मजे दिलाती हो, तुम्हें शिलाजीत वगैरह पता नहीं क्या क्या गंद बका था उन्होंने, लेकिन वो चीज उन्हें सलमान को ठीक अच्छा, लगी। एक मिनट, जब जब अब गलती हो गई है किसी से, उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, अपोलोजाइज इतनी बार बोला, माफी भी मांगी इतनी बार, अब आप क्या चाहते हैं कि इस चीज के लिए उन्हें शो से आउट कर दिया जाए? यही चीज वहाँ पे उन्हें सुनाते तो सही, सलमान ने सुनाया नहीं, वो मेन मैटर है यहाँ पर। सलमान ने उन्हें बोला कि उनकी गलती है, उन्होंने सीधा बोला, सुनाने को क्या चाटे या थप्पड़, पर कहीं ना कहीं सलमान ने इसे जोक की तरह ले गए। मुझे डेवन से ऐसा लगता है कि सलमान उनकी तरफ पार्शल है। कुछ भी नहीं है, जब रश्मि की बात आई थी और देबोलीना के ऊपर बात आई थी, जब सिद्धार्थ डे ने बोला था उस दौरान भी सलमान खान ने काफी वाट लगाई थी सिद्धार्थ डे की। अगर शो को आप दोबारा रिपीटेड देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कि रश्मि और देबोलीना से जब उन्होंने गंदे तरीके से बात की थी, चीजें बोली थी, तब सलमान खान ने सिद्धार्थ डे को काफी कुछ अच्छे से डांट लगाई थी उस चीज को लेके, उनका एकदम मुंह ही बंद हो गया था सिद्धार्थ डे का ये चीजें सुनकर जब सलमान ने उनको बोला था। तो सलमान को वो चीज नहीं लगी होगी, उन्होंने उस तरीके से बोला होगा, तो आप इस चीज के ऊपर अब बार बार क्रिएट ना करो चीजों को, वो चीज अब हो चुकी है। अच्छा प्रशांत, अब हमने सिद्धार्थ डे की तो बातें कर ली, काफ़ी हमने बात करी कि सलमान कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं पारस छाबड़ा को सलमान खान क्या टारगेट कर रहे हैं या नहीं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में ऐसा देखा गया था जब एक कॉल, हाँ वीडियो कॉल आया था एक यूज़र का, तो उन्होंने पारस से कुछ क्वेश्चंस किए थे कि मतलब आपने इस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला की पीठ पीछे कुछ बातें कही हैं, तो उस कॉलर के आड़ में मुझे ऐसा लगा कि सलमान ने वहां पे पारस के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन हाँ उस कॉलर के आड़ में सलमान, क्या पीछे से खेल रहे हो लड़कियों के, हाँ पीछे से खेल रहे हो आप, वो चीज़ क्या थी जो कि रो दो आप किसी के सामने और वो पिघल जाएगा इंसान, तो ये सब चीज़ों को लेकर सलमान ने बोला था वहां पर, तो टारगेट कर रहे हैं मुझे ऐसा लगा था। कल वाले एपिसोड में भी ऐसा देखा गया कि पारस ने वहां पर बोला है ये चीज़ कि सलमान सर का मुझे कुछ ज़्यादा ही मुझे लेकर चिड़चिड़ मच रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे शो से निकाल दो, आई डोंट केयर, वो सर पारस को भी ऐसा लग रहा है यहां पर, तो मुझे लगता है कि हाँ टारगेट तो कर। क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि पारस जो है वो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं और सलमान खान जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर के उन्हें बोल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने कल शो में बोला भी, बताया भी आसमिन ने कि वो उनको अजीब लग रहा है कि सलमान उन्हीं को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो वो टारगेट नहीं कर रहे हैं उन्हें, बेसिकली वो कर रहे हैं इन चीज़ों को क्योंकि वो लड़कियों के पीछे से ही खेल रहे हैं, उनका अभी तक अपना खुद का आया नहीं है कुछ ऐसी चीज़ देखने को। लड़कियों के पीछे से खेल रहे तो पारस ने यहाँ पे एक्सेप्ट तो नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि मैं लड़कियों के पीछे नहीं खेल रहा हूँ। मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसा खेल रहे हैं वो चीजें उन्होंने बताई, अब किसी कॉलर का कोई लड़का आएगा तो वो जाहिर सी बात है वो चीजें वो पूछेगा तो उसकी संतुष्टि भी होनी चाहिए। कॉलर ने एकदम सही बात पकड़ी, उन्होंने एकदम सही बोला कि तुम, हाँ शहनाज को बोला, फिर इधर तुमने बोला और फिर तुम सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनल चीजें भी तुमने रिवील करने की कोशिश करी, जबकि उसने बोला मैंने ऐसा कुछ भी इतनी चीजें नहीं बोली, जबकि हाँ कर रहे थे, लेकिन वो कॉलर जो था उन्होंने सारी बात बोली, रिवील कर कहीं ना कहीं उनकी शक्ल पे आ गया था कि ये क्या हो गया, हाँ कि मेरे राज खुल ना जाए, मतलब सलमान आके सामने बोल रहे थे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, कि जैसे उनके फेस पे आ गया था कि इवन ये चीज है कि पारस को सामने ये चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था यहाँ पर, तो वो यही बोलते हैं कि मतलब अगर उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए अपने आंसर से। और कोई भी ये क्यों बोलेगा कि मैं लड़कियों के पीछे से खेल रहा हूँ,
बिल्कुल प्रशांत, अब हम दोस्तों सीधा डायरेक्टली बात करते हैं नॉमिनेशन की। अब आज के टास्क में, आज के दिन में हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिलने वाला है। जो चार लड़के बचे उनमें से रोजेज वाला एक टास्क होगा जिसमें लड़कियों को रोज देना है उनको, जो जिन्हें आप बचाना चाहते हो। तो वहीं अब क्या लगता है प्रशांत, क्या लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं, लोगों में बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी है। तो इस दौरान ये भी देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में जो बॉन्ड है वो रियल में बॉन्ड है भी या नहीं, या सिर्फ दिखावे की बॉन्डिंग है। जैसे कि कल कमिंग अप में भी मैंने एक क्लिप देखी थी, उस दौरान भी क्या था कि भाग रहे थे सब, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला गिर गए हैं। तो फिर दूसरी तरफ रश्मि और आरती के बीच में भी झड़प होगी इस चीज़ को लेकर के, वो रश्मि जो है वो पारस का स्टैंड लेती नजर आएंगी। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग मुझे लड़कियों को लेकर के हो रही है, जहाँ एक तरफ पारस का रश्मि के साथ और माहिरा के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन हो गया है, तो क्या पता ऐसा ना हो जाए कि वो रोज पारस जो है वो माहिरा की जगह रश्मि को ना दे दें, या फिर एक दूसरी तरफ सिद्धार्थ डे के साथ शेफाली बग्गा और रश्मि बीच में फंस गई हैं, सिद्धार्थ डे जो है वो भी कभी रश्मि को ना दे दें शेफाली की जगह। तो रोज लेने के चक्कर में और देने के चक्कर में काफी ड्रामा होगा। और नॉमिनेशन की रही बात चार लोग, तो मुझे लगता है नॉमिनेशन में जाने के लिए सिद्धार्थ डे को नॉमिनेट होना चाहिए और आसिम रियाज को, क्योंकि पारस और सिद्धार्थ शुक्ला काफी स्ट्रांग है। किसे नॉमिनेट होना चाहिए? मेरे हिसाब से कि हाँ सिद्धार्थ डे होना चाहिए था, पिछले बार तो वो किसी तरह बच गए, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ डे ही डिजर्व है। दर्शिका किसे? मुझे ऐसा लगता है कि आसिम रियाज को और सिद्धार्थ डे को। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि पारस को सलमान खान कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं या नहीं, और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। हम आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।